उत्तराखंड में देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी के अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों से डेंगू के केस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्यवाही कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग के साथ ही जिन इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं उन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। अब तक 14,000 घरों में लार्वा की चेकिंग की गई है और इसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले और प्राइवेट अस्पताल भी डेंगू के नाम पर मरीजों का उत्पीड़न ना करें, इसे लेकर प्रशासन नजर बनाए हुए है और आगामी दिनों में रोजाना लोगों को डेंगू की अपडेट भी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे, यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फ़िलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें दो तीन विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा कि किस प्रकार आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जो टीम कर रही है डोर टू डोर इसकी कार्रवाई को, इसने हल्द्वानी में 14,000 हाउसेज को अभी कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और गति प्रदान करेंगे और अगले एक सप्ताह के अंतर्गत पूरे हल्द्वानी शहर में डोर टू डोर कैंपेन व्यापक रूप से चलाया जाएगा। अभी हम लोगों के पास इस तरह की कोई शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं प्राप्त हुई हैं कि कहीं किसी व्यक्ति को मना किया गया हो या ओवर चार्जिंग की गई हो। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल संबंधित पर एक्शन लिया जाएगा। बेड्स की उपलब्धता के संबंध में और प्लेटलेट्स की अन्य आवश्यक जो दवाइयाँ हैं जीवन रक्षक, उनके संबंध में जो उपलब्धता की सूचना है, इसमें ये सुझाव आए हैं कि इसको सार्वजनिक करा जाए प्रतिदिन, तो इसको सार्वजनिक करा जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यदि कोई इस तरह की कंप्लेंट प्राप्त होती है तो इसमें इंस्पेक्शन करा के हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की कोई मनमानी।